Dear students, and first of all, I want to start a voice, and I want to tell you one quotation in Hindi language. And first of all, and let me speak Hindi. उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो, उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो. तो राइट नाउ, और हम 3 मिनट लेक्चर वॉइस को अटेंड किए थे, और अब टोटल एक्सरसाइज जितने वीडियोज आपको बनाया जाएगा, जितने पॉइंट्स सब आएंगे, तो दायरा 3 मिनट वॉइस हम लोग लर्न बताया गया था हमें वीडियोज में. ठीक है, 3 मिनट कन्फर्म, 3 मिनट लेक्चर क्यों अटेंड किए होंगे. पहले वॉइस लर्न करने पहले से उस वीडियो को देखना है, उसके बाद पार्ट वन पार्ट टू वीडियो जो जाएगा पॉइंट्स टोटल डब्ल्यू एस से एल जड़ी भर्ब से टोटल पॉइंट मेरे द्वारा बताया जाएगा, रिक्वेस्ट से प्रोविटरी सेंटेंस से. ठीक है, तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर, यू हैव टू यू शुड ऑब्जर्व माई लेक्चर. ओके, वॉइस इज नॉट अ मेकिंग ए स्टेटमेंट. ओके, क्या बोले, वॉइस इज नॉट अ मेकिंग ए स्टेटमेंट. स्टेटमेंट तैयार करने की कला को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को दो तरह से कोट करते हैं. कितने तरह से, फर्स्ट एक्टिव, दूसरा पैसिव. एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव. ठीक है, एक बार फिर से, फर्स्ट एक्टिव, किसी कोटेशन को हम लोग कितने तरह से कोट करते हैं, दो तरह से, फर्स्ट एक्टिव दूसरा पैसिव. पुनः दोबारा, फर्स्ट एक्टिव दूसरा पैसिव, फर्स्ट एक्टिव दूसरा पैसिव. एक बार फिर से, फर्स्ट एक्टिव दूसरा पैसिव, फर्स्ट एक्टिव दूसरा पैसिव. ठीक है, तो इस वॉइस इज नॉट अ मेकिंग अ स्टेटमेंट. ठीक है, इस किसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट तैयार करने की कला को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं. क्या कहते हैं, वॉइस. और हम किसी स्टेटमेंट को दो तरह से कोट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट कैन बी मेड इनटू टू वॉइसेज. कितने, दो. तो फर्स्ट एक्टिव दूसरा पैसिव. एक्ट मतलब कार्य, मतलब वाला, कार्य करने वाला. हम लोग क्या करते हैं, सीम को क्या करते हैं, सक्रिय करवाते हैं, एक्टिवेट करवाते हैं, तब ना हमारा आउटगोइंग इनकमिंग शुरू होता है. ठीक है, ठीक उसी प्रकार पासवर्ड देना, ये मतलब वाला. हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो गोल कीपर, मान लीजिए फुटबॉल खेलते हमारा लक्ष्य क्या होता है, गोल करने का. ठीक है, ठीक है, जब सब्जेक्ट एक्टिव और दूसरा क्या हो गया, अगर पैसिव है. ठीक, चलिए कॉपी आउट कर ले. और टोटल एक्टिव का डेफिनेशन, वॉइस का डेफिनेशन, रूल्स, एक्सरसाइज टोटल मेरे द्वारा अभी करवाया जाएगा आप लोगों को. ठीक है, चलिए कॉपी आउट कर ले. डियर स्टूडेंट, सर डियर स्टूडेंट, एक्टिव पैसिव डेफिनेशन हो गया. आगे हम लोग क्या करते फिर लर्न करते, देखिए बोर्ड पर. अब क्या कर रहा हूं, एक्टिव का डेफिनेशन करा रहा हूं आप लोगों. टोटल पॉइंट एक्सरसाइज, टोटल पॉइंट एक्टिव का डेफिनेशन, बॉय पैसिव डेफिनेशन, रूल्स टोटल राइट करवाते चलेंगे. ठीक है, सर इस कॉपी आउट कर ले आप लोग. ठीक है, एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट इज कैप्ट इन एक्टिव वॉइस. डोमिनेंस मतलब होता है कर्ता धरता, डोमिनेंस मतलब कर्ता धरता. ठीक है, तो एग्जांपल में देखा जाए, राइट्स अ लेटर. ठीक है, चलिए इसे कॉपी आउट कर लें. अब नीचे आपका पैसिव, पैसिव वॉइस का, जब सब्जेक्ट कार्य करे तो एक्टिव, और जब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज कैप्ट
ठीक है, देखा जाए पैसिव वॉइस, एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन पैसिव वॉइस, ये आपका एक्टिव का डेफिनेशन और ये पैसिव का डेफिनेशन। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए पैसिव का, तो नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक पर आएगा तो ए लेटर, राइट्स कौन सा वर्ड था बताया था बिगनिंग में उस फर्स्ट वीडियोज में, तो राइट्स बी फाइव, तो बी फाइव के नीचे इज लिखा हुआ है वो बी का खानदान होता है, ठीक है। तो ए लेटर इज राइट का भीतर क्या होता है रिटन, रिटन बाय राम, ठीक है। चलिए ये होगा डेफिनेशन, फिर आगे पॉइंट बता रहे हैं। डियर स्टूडेंट अब हम लोग सीखेंगे रूल्स टू चेंज, क्या सीखेंगे रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। ठीक है, रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, डियर स्टूडेंट्स देखिए बी फॉर्म प्लस बी थ्री, ठीक है। बी फॉर्म वो हम बिगिनिंग फर्स्ट लेक्चर में देखे होंगे बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव तक, ठीक है। तो वही बी का खानदान होता है, बी के अंदर पूरा बी वन भी है, बी टू भी है, बी थ्री भी है, बी फाइव भी है, यानी बी का खानदान बहुत बड़ा है कुर्मा, ठीक है। और बी फॉर्म यानी उसका रूप प्लस बी थ्री, यानी बी फॉर्म प्लस बी थ्री तभी पैसिव है, यानी बिना बी थ्री के, बिना बी थ्री के आपसे वॉइस कभी संभव नहीं है, बिना बी थ्री के एक भी वॉइस आता नहीं है, यानी वॉइस लर्न करने के लिए टेंस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए और वॉ फॉर्म्स आराम से लर्न कर सकते हैं, ये वॉइस सबसे गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए हो गया, आगे देखा जाए। चलिए इसको कॉपी आउट कर ले, अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं वाई अप कर रहा हूँ, चलिए फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रिकेट खेले थे फिर एक बार खेलेंगे, ठीक है। तो यानी देखिएगा भी वन एम आर वी भी टू वाजवेयर भी थ्री बिन भी फोर बिंग वी फाइव इज, क्लियर है। यही बी का खानदान है, ठीक है, वॉइस से चार्ट याद होना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अब देखा था फिर एक बार क्रिकेट के बाद फर्स्ट लेक्चर में खिला था फिर एक बार के लिए, चलिए यहाँ खेलते हैं हम लोग, ये फील्ड है हमारा, ये स्ट्राइकर ये नॉन स्ट्राइकर, ये क्या है कीपर है, ये एम्पायर खड़ा किए थे तोंद बेचारा के निकाल दिए टोपी पहना दिए थे बॉलर है, और कुछ जीव जंतु को फील्डिंग में खड़ा कर दिए थे, और बीच में बी फॉर्म बी फॉर्म प्लस बी थ्री, ठीक है, यानी बी का खानदान यही सब बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव, ये बी फाइव ये क्या है बी का खानदान सब है, ठीक है। चलिए इसे कॉपी आउट कर लें, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे वॉइस को लर्न करेंगे, एक एक एक्सरसाइज को हर टेंस पर बनाएंगे, देखिएगा। पहला प्रश्न है हमारा राम राइट्स अ लेटर, तो नॉन स्ट्राइकर ये यहाँ क्या था सब्जेक्ट था, अरे था ना जी, तो यहाँ क्या पहुँच ये यहाँ पहुँचा तो ऑब्जेक्ट बन गया, और ये क्या था यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और यहाँ पहुँच गया तो क्या बन गया सब्जेक्ट, बीच में बी फॉर्म प्लस स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर बीच में बी फॉर्म प्लस बी थ्री। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर, तो नॉन स्ट्राइकर यानी ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ सब्जेक्ट था यहाँ पहुँच गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ यहाँ क्या था ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया सब्जेक्ट, स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर बीच में बी फॉर्म प्लस वी थ्री बी फॉर्म प्लस वी थ्री। एक बार फिर से स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर बीच में बी फॉर्म प्लस वी थ्री, क्लियर है। चलिए देखिए
तो नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक पर आएगा, तो ए लेटर, ठीक है, तो ए लेटर। और राइट्स कौन सा वर्ब, वर्ब देखना है वर्ब कौन सा, तो फीफा में नीचे क्या लिखा इज, तो ए लेटर इज। और राइट का भीतरी क्या होता है, रिटेन, रिटेन बाई राम, बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट कंटिन्यू देखा जाए, लेकिन बढ़िया सा अटेंड करें, वीडियो में जरूर है, कन्फर्म समझ में आएगा आपको। राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो नॉन ये स्ट्राइकर, ये नॉन स्ट्राइकर, तो नॉन स्ट्राइकर यहाँ आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये क्या है स्ट्राइकर, फिर नॉन स्ट्राइक पर जाएगा तो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर इज क्या हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब उतार देंगे, पुलर लगातार कर देंगे सिंगुलर तो इज रहने देंगे। और देखना है वर्ब हमारा कौन सा, तो राइटिंग क्या वी फोर है, तो वी फोर में क्या लिखा, बींग लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिख दिए बींग, ठीक है, क्या लिख दिए बींग। ए लेटर इज बींग, राइट का भी थ्री क्या है, रिटन बाय राम, क्लियर हो गया। चलिए इसे कॉपी आउट कर लें, अब देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो राम हैज रिटन अ लेटर, तो उन्होंने स्ट्राइकर स्ट्राइक पर आएगा, तो ए लेटर हैज के हेल्पिंग वर्ब तो हैज उतार दिए, रिटन कौन सा वर्ब है वी थ्री, तो वी थ्री के नीचे क्या लिखा हुआ बीन, तो ए लेटर हैज बीन बीन रिटन बाय राम, रिटन बाय राम, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राम हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। एक चीज़ और से बताना चाहेंगे आप लोगों को, ठीक है, देखिएगा बी बीन बिंग, यानी तीनों का लगातार प्रयोग, यानी हम लोग क्रमबद्ध प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बी बीन बिंग का क्रमबद्ध प्रयोग, लगातार प्रयोग नहीं करते, यानी एक जगह इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा आएगा क्वेश्चन में, उन्होंने स्ट्राइकर स्ट्राइक पर बैटिंग के लिए आएगा, तो ए लेटर हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग वर्ब कौन सा वी फोर है, वी फोर के नीचे क्या लिखा बींग लिखा हुआ है, तो ए लेटर हैज बीन बींग रिटन बाय राम, बन गया, बना कि नहीं बना, ठीक है, सो कॉपी आउट कर ले। चलिए अब इसको वाइप अप कर दे रहा हूँ, चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पास्ट में देखेंगे, पास्ट में राम रोटा लेटर, राम रोटा लेटर, ठीक है, राम पत्र लिखता था या राम पत्र लिखा, तो नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक पर बैटिंग के लिए आएगा, तो ए लेटर, और रोट क्या होता है वी टू होता है, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वी टू के नीचे क्या लिखा है वाज और बेयर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, पुलर लगा तो बेयर लगाएंगे, तो क्या करेंगे वी टू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे पास्ट में। ए लेटर वाज राइट का वी थ्री क्या होता है रिटर्न, ए लेटर वॉज रिटन बाई राम, बन गया, यानी राम के द्वारा पत्र लिखा गया, लिखा जाता था, ये हिंदी हो गई द्वारा, बाई मतलब द्वारा। अब देखा पास्ट कंटिन्यूस,
राम वॉज राइटिंग अ लेटर, राम वॉज राइटिंग अ लेटर, तो उन्होंने स्ट्राइक करे, स्ट्राइक पर आगे बैटिंग करने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर वाज हेल्पिंग मर सब्जेक्ट सिमिलर, तो वाज उतार देंगे। राइटिंग कौन सा भरा, बी फोर के नीचे क्या लिखा, बींग, तो ए लेटर वाज बींग रिटन बाय बाय राम। क्लियर है? चलिए अब पास्ट परफेक्ट देखा जाए। राम हैड रिटन अ लेटर, तो नॉन स्ट्राइक स्ट्राइक पर आएगा। देखिए नॉन स्ट्राइक पहचानना है कैसे, नॉन स्ट्राइक भर्ब के बाद जो आता है वही नॉन स्ट्राइक होता है, ठीक है? तो ए लेटर हैड हेल्पिंग भर तो उतार देंगे, हैड रिटर्न कौन सा भर है, बी थ्री नीचे क्या लिखा हुआ है, बीन, ए लेटर हैड बीन रिटर्न बाय राम। क्लियर है? अब आइए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर, स्टडे, ठीक है, सिंस स्टडे, राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस स्टडे, ठीक है, नॉन स्ट्राइक स्ट्राइक पर आएगा, तो ए लेटर जो हेल्पिंग वर्ब उतार देंगे, ए लेटर हैड बीन राइटिंग कौन सा वर्ब, बी फोर के नीचे क्या लिखा हुआ है, आई एन बींग, ए लेटर हैड बीन बींग रिटन बाय राम सिंस यस्टरडे। क्लियर है? ये पास्ट का आपका। और एक चीज बताया था कि बी बिन बिंग बिंग का क्रम प्रयोग, यानी लगातार एक जगह आ जाएगा तो प्रयोग नहीं करते, यानी आ गया बिन और बिंग, अपने तरफ से बना देना है और नीचे लिख देना है नो पैसिव, एग्जामिनर अपने तरफ से गलती नहीं करना है, ठीक है, बना के नो पैसिव लिख दे रहे हैं, यानी बी बिन का क्रमबद्ध प्रयोग नहीं, लगातार प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इट शुड कॉपी आउट। और डियर स्टूडेंट हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में आएंगे। राम विल राइट अ लेटर, तो नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक पर आएगा, तो ए लेटर विल क्या है, विल कॉपी आउट करें, राइट कौन, वी वन के नीचे क्या लिखा हुआ है, वी वन यहाँ आपका, वी वन के नीचे एम आर बी, तो फ्यूचर में तो एम आर तो लगता नहीं, जब बी लगेगा तो बी लगेगा, क्या लगेगा, बी, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, ए लेटर विल बी, रिटन बाय राम, ठीक है, आगे देखा जाए। राम विल बी राइटिंग अ लेटर, तो उन्होंने स्ट्राइक किया स्ट्राइक पर, ए लेटर विल बी राइटिंग कौन सा फॉर बी फोर के नीचे क्या लिखा हुआ, बींग, ए लेटर विल बी बींग रिटन बाय राम। बताया था कि बी बिन बिंग का क्रमबद्ध प्रयोग नहीं, लगातार प्रयोग हम लोग नहीं करते, तो बी बिन आ गया, नीचे बना कर लिख देंगे नो पैसिव, ठीक है। चलिए खत्म हो गया कुछ मिसलेनियस रूल बता दे रहे हैं। अब देखें मिसलेनियस से कुछ रूल्स बता दिया जा रहा है। राम इज टू
प्ले क्रिकेट था, तो उन्होंने सेकेंड स्ट्राइक पर क्रिकेट इज टू, ठीक है, प्ले किया V1, तो V1 कहते हैं एम आर तो पहले से एल्फिंग पर इज है, तो एम आर तो लगे, जब भी लगा बी लगा, क्रिकेट इज बी, क्रिकेट इज टू बी रिटन बाय राम। आगे देखा जाए राम इज टू प्ले क्रिकेट, स्ट्राइक पर आएगा क्रिकेट इज टू भी पूरा उतर जाएगा, इज अबाउट टू प्ले क्या भी वन के नीचे क्या लिखा एम आर बी, तो बी लगेगा एम आर तो लगेगा नहीं, इज तो पहले से अल्पिंग है, क्रिकेट इज अबाउट टू बी प्लेड बाय राम। ठीक है, चलिए इसको आउट कर ले, मिटा रहे, क्वेश्चन बदल दिए आपका। चलिए स्टूडेंट देखा जाए, राम शुड राइट अ लेटर, राम शुड राइट अ लेटर था, लेटर नॉन स्ट्राइक पर आएगा, शुड जो है एस एच ओ यू एल डी होता है, सॉरी लेटर शुड, देखना राइट कौन सा भरो, भी वन है, भी वन में क्या एम आर बी से हेल्पिंग वर्ब पहले से शुड है, तो क्या लगेगा बी, ए लेटर शुड बी रिटन बाय राम। आगे देखा जाए, राम इज हैविंग टू प्ले क्रिकेट, राम इज हैविंग टू प्ले, चाहे क्वेश्चन चेंज करते, राम इज हैविंग टू राइट अ लेटर, उन्होंने स्ट्राइकर स्ट्राइक पर, तो ए लेटर हेल्पिंग वर्ब जो तो भी उतर जाएगा, इज हैविंग टू, इज पहले से है तो एम आर तो लगेगा, क्या एम आर तो लगेगा, बी लगेगा, तो ए लेटर इज हैविंग टू बी रिटन बाय राम। ठीक है, अब देखा जाए, राम मस्ट राइट लेटर, तो उन्होंने स्ट्राइक स्ट्राइक पर, लेटर मस्ट मस्ट भी वन लगता है, भी वन के नीचे क्या लिखा हुआ एम आर बी, एम आर तो लगेगा ना, हेल्पिंग वर्ब पहले से मस्ट है, तो बी लगेगा, लेटर मस्ट बी राइट का भीतर क्या होता है रिटेन बाय राम। ठीक है, और हो गया टोटल, जितना रूल बताया गया इसी पर आप टोटल क्रिकेट मैच के द्वारा टोटल सॉल्व कर सकते क्वेश्चन, और कुछ फ्यू सी डब्ल्यू पढ़े, ए डब्ल्यू पढ़े, अब पढ़िए पी डब्ल्यू, यानी मीन्स पी डब्ल्यू मीन्स प्रैक्टिस वर्क, कुछ प्रैक्टिस वर्क मेरे दिया जाएगा, उसको आप कर लेंगे एक्सरसाइज, फिर अगले फिर वीडियोज में फिर आगे पॉइंट में बताया जाएगा मेरे द्वारा। चल देखा जाए, डियर स्टूडेंट्स कुछ फ्यू प्रैक्टिस वर्क के एग्जाम दिया जा रहा है, उसको सॉल्व करेंगे, उसको चेक करेंगे कि क्या वास्तव में लर्न कर गया या नहीं, कितना पानी में कितना सीखा, कितना सही नहीं सीखा। ठीक है, देखा जाए,
फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा तीसरा इसको जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चौथा आपका मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, पांचवा मोहन प्लेड क्रिकेट, छठा मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट, सेवन नंबर क्वेश्चन, मोहन हैड प्लेड क्रिकेट। और क्वेश्चन दिया जाए, इसको कॉपी आउट करें। मोहन हैड प्लेड क्रिकेट, आठवां क्वेश्चन, मोहन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस स्टडे, सिंस स्टडे, ठीक है, मोहन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस स्टडे। नाइन नंबर क्वेश्चन, मोहन एन लिखा हुआ है, ठीक है, मोहन बिल प्ले क्रिकेट। टेन नंबर, मोहन बिल बी प्लेइंग क्रिकेट। इलेवन नंबर, मोहन विल हैव प्लेड क्रिकेट। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन, मोहन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। थर्टीन नंबर, मोहन इज टू प्ले क्रिकेट। फोर्टीन नंबर, मोहन इज अबाउट टू प्ले क्रिकेट। चलिए कॉपी आउट कर लें। सिक्सटीन क्वेश्चन देखा जाए, मोहन शुड प्ले क्रिकेट। सेवेंटीन नंबर, मोहन इज हैविंग टू प्ले क्रिकेट। एटीन नंबर, मोहन मस्ट प्ले क्रिकेट। नाइनटीन नंबर, मोहन हैज टू प्ले क्रिकेट। ट्वेंटी नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन, मोहन
has got to play cricket. So dear students, look at me and as well as let me speak Hindi. ये 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज दिया गया, इसको बनाएंगे, फिर आंसर हम अगले वीडियोज़ में चेक करा देंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे सम स्पेशल रूल्स. ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में. ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्टडी करेंगे सम स्पेशल रूल्स. ठीक है, क्या स्टडी करेंगे हम लोग, सम स्पेशल रूल्स. यहाँ पे आपका सी आई एस पी ई सी आई एल स्पेशल रूल्स, ऑर्डर सेंटेंस, रिक्वेस्ट सेंटेंस, प्रोबिटी सेंटेंस, डब्ल्यू एस ए एग्लोरी भर्ब, फिर समोन समबडी से जो भी क्वेश्चन आगे, फिर अगले वीडियो से हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, हैव ए वंडरफुल डे ऑन माई बिहाफ एवरी वन.